हेलो प्यारे बच्चों, 2023 801 DG जिसका कोड है उसका हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें खंड आ जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है रसमीमांसा के लेखक हैं कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो इसका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला है तितली कृति की विद्या है, तितली किस कृति की विद्या है? तो यह है उपन्यास, इसका सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला 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 क्या कह रहा है, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके? गांधी जी की देन, जो इसका ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा वाला साहित्य और कला रचना है, साहित्य और कला किसकी रचना है? साहित्य और कला है भगवत शरण उपाध्याय की रचना। पांचवा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं, शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती, कौन है? धर्मवीर भारती, डी वाला। छठा रीतिकाल के कवि हैं पद्माकर। सातवा छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ये तो बहुत ही ज़्यादा आती है, भूषण की। आठवां तार सप्तक का प्रकाशन संपादक है किसके द्वारा? काफ़ी ज़्यादा आता रहता है ये क्वेश्चन भी। तार सप्तक का जो संपादक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नवा क्या है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है कौन सी है? बी वाली, युगावारणी। कौन सी वाली है? बी वाली। क्या नाम है इसका? युगावारणी। स्मृति की रेखाएँ संस्मरण, करुणरस का स्थायी भाव शोक, पीपर पात सरस मंडोला में उपमालंकार, उपमालंकार सुनी बेर केट इसमें सोरठा छंद, अनुचर में अनु। अगला प्रत्यय के प्रकार हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के, दो, ए वाला। वेद पुराणक में द्वंद्व समास प्रमोद, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला 18वां क्वेश्चन इत्यादि में संधि है, तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी? इत्यादि में होगी यण संधि, ए वाला। अगला फलैन शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो इसका डी वाला ऑप्शन, एक वचन तृतीय विभक्ति। अपठम धातु वचन एवं पुरुष है, एक वचन उत्तम पुरुष, डी वाला ऑप्शन। 20वां, इस हिसाब से 20 विकल्प हो गए जो हमने OMR सीट में भरे होंगे। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, वर्णनात्मक में पहला खंड बाप चलते हैं, वर्णनात्मक जो हमें कॉपी पे लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब इसमें पहला गद्यांश है मित्रता के लिए ये आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि रखते हों। इस पर तो साफ साफ लिखा पड़ा है बिल्कुल मित्रता, तो इसका पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या तो इसकी बहुत आसानी से हो जाएगी कि ज़रूरी नहीं दोनों मित्र एक ही काम करते हों। मित्रता कोई ये नहीं कार्य देख के की जाती है, बल्कि मित्रता एक हमारी उसमें एक दूसरे से दिल मिल जाए, उसकी बातें मिल जाएँ और वो हमारा बुरे काम में साथ दे, इस तरह से हमें मित्रता की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है कि मित्रता ज़रूरी नहीं कि दो लोगों में एक से काम करता हूँ। और तीसरा अजंता इसके लेखक है, अजंता पाठ का नाम है। अगला है दूसरा वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुदाय सासी है? तो नीचे लिखा पड़ा सूर शब्द, जिसमें सूर शब्द आ जाता है, जैसे लिखा पड़ा ये आ गया सूर, ये वाला इसके ऊपर सूर आपको दिख रहा होगा, सूरदास का है, यानी सूर सागर पद शीर्षक से ये लिया गया है, व्याख्या कर दी जाएगी। और इसके ये फिर चींटी सुमित्रानंदन पंत वाला है। अगला है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यानी वाराणसी जो है वो सुविख्यात प्राचीन नगरी है, जो यह विमल तरंगों की जो गंगा नदी है उसके किनारे स्थित है। अस्या घट्टाना वल्याकृति, यानी इसके घाट जो है घुमावदार घाट वो सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सारे पर्यटक इसे दूर दूर से देख कर आते हैं और इसके घाटों की शोभा देख कर प्रसन्न होते हैं। अगला क्या है फिर, प्रसन्न होते हैं। अगला चौथा आप तो दूरगामी चाक्षुरो नाचा पंडित अमुक स्फुट वक्ता चाहे जानती सा पंडित, या तो ये कर दें या फिर धनामुक्तम किस्वेद। तो पहला वाला काहे से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीण से। और दूसरा वाला काहे से लिया गया है? जीवन सूत्राणी से। दोनों में से कोई सा भी हम कर सकते हैं। पाँचवा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। तो तुमल खंड काव्य के प्रमुख पात्र का इसमें चरित्रण लिख देना होगा, प्रमुख पात्र का। अब इसमें चाहे मेघनाथ का लिख दें या इसमें लक्ष्मण का लिख दें, दोनों प्रमुख पात्र हैं इसमें। अगला क्या कह रहा है फिर, छठे का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, तीनों में से किसी का लिखते हैं एक रचना का नाम सिर्फ। जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद हम लिख रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु, इनके पिता का नाम और इनका
जो थोड़ी शैली लिख के आखिर में मृत्यु हो जाती है। फिर रचना एक कोई सी भी, बहुत रचना है इनकी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजा शत्रु और सज्जन, एक घूट, आंसू, मित्र, ममता, बहुत सारी, कोई सी भी एक चाहे। उसके बाद तुलसीदास, माधवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी, तुलसीदास लिख देंगे। रामचरितमानस इनकी जो है क्या है, रचना है, जो बहुत ही बढ़िया महाकाव्य अपनी भाषा में लिखा गया है। सातवां, अपनी पाठ्यपुस्तक से खंडस्थ किए हुए एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब इस प्रश्न पत्र में कौन कौन से आए ये देखो लिखा पड़ा है, चौथे वाले में आप दो दूरवामी और धनानंद जी के दोनों मत लिखो। तो सर्वे वंते सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये लिख दें। या बंधन मरण बापी जो बापी पराजय हो भी, अत्र वीर वीर भाव वीरता, ये लिख दें। दोनों सही हैं बिल्कुल, कोई सा और भी आपको याद हो वो लिख सकते हैं। आठवां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के संस्कृत में उत्तर दीजिए। चार क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें किन्हीं दो के हम उत्तर दे देंगे। नवा, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, नौ नंबर का है ये। पाँच में से कोई सा भी एक निबंध लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारे पेपर का सॉल्यूशन हो गया, बहुत ही आसान पेपर था, बच्चों ने बहुत अच्छे करके आए हैं।